बिसमिल्लर रहीम मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम आज हम शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन और इसके कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे ये शॉर्ट स्टोरी वजूद में आती है तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या है वट इज़ शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ़ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज़ शार्टर दैन अ नावल एंड दैट यूजअली डील्स विद ओनली अ फ्यू करैक्टर्स शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल प्रोज नैरेटिव की एक टाइप है और ये एक यौनरा है लिटरेचर का एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो कंपैरेटिवली एक नावल से छोटी होती है एक नावल में बंडल्स ऑफ करेक्टर्स होते हैं जबकि एक शॉर्ट स्टोरी में चंद करेक्टर्स होते हैं जिनसे वो मिल बनती है शॉर्ट स्टोरी की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि ये सिंगल इवेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है इसमें कोई ज़्यादा इवेंट्स भी नहीं पाए जाते एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी करैक्टर्स प्लॉट सेटिंग थीम पॉइंट ऑफ व्यू इन एलिमेंट्स को आप शॉर्ट स्टोरी के मेन पार्ट्स या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ के तौर पर जान सकते हैं कि अगर इन में से एक भी ना हो तो शॉर्ट स्टोरी मुकम्मल नहीं होती तो चलिए इन एलिमेंट्स को वन बाय वन एग्ज़ामिन करते हैं और देखते हैं कि ये एक स्टोरी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करैक्टर्स Characters are the people who are involved in the story. Characters can be major or minor and static or dynamic. सबसे पहले हम बात करते हैं करैक्टर्स की करैक्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो एक स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं ये मेजर भी हो सकते हैं माइनर भी हो सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं मेजर करैक्टर्स उनको बोला जाता है जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है एक स्टोरी के अंदर और माइनर करैक्टर्स वो होते हैं जो बहुत ही कम रोल प्ले करते हैं स्टैटिक करेक्टर्स वो होते हैं जो थ्रू आउट द स्टोरी सेम ही रहते हैं मतलब अगर कोई शुरू से रिजिड था तो वो एंड तक रिजिड ही है और अगर कोई शुरू से पोलाइट था तो एंड तक भी पोलाइट ही है तो ऐसे करैक्टर्स स्टैटिक होते हैं डायनामिक करैक्टर्स ऐसे करैक्टर्स को बोला जाता है जो चेंज हो जाते हैं मतलब अगर कोई शुरू में रिजिड था तो एंड में पोलाइट हो जाता है और अगर शुरू में पोलाइट था तो एंड में रिजिड हो जाता है और ऐसे करैक्टर्स डायनामिक होते हैं प्लॉट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स दैट अप द स्टोरी द प्लॉट यूजली बिगेन्स विद एन एक्सपोजिशन विच इंट्रोड्यूस अस टू द करैक्टर्स एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी इसके बाद हमारे पास आता है प्लॉट एक स्टोरी के अंदर प्लॉट बहुत ही अहम होता है प्लॉट के बगैर स्टोरी बन ही नहीं सकती क्योंकि एक स्टोरी के अंदर जो मेन इवेंट्स बनाए जाते हैं वो प्लॉट की बेस पे ही बनाए जाते हैं सेटिंग द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी गिव्स अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज व्हेन द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस वेयर द स्टोरी इज़ टेकिंग प्लेस व्हाट इन्वायरमेंट द स्टोरी इज अक्रिंग इन नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सेटिंग सेटिंग अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर हमें बताया जाता है कि स्टोरी कब लिखी जा रही है कहाँ पे स्टोरी चल रही है और इसका बैकग्राउंड या फिर इन्वायरमेंट क्या है थीम द सेंट्रल मीनिंग आर आइडिया ऑफ द स्टोरी द मॉरल लेसन स्टोरी इज़ ट्राइंग टू टीच इट इज़ मैसेज दैट गिव्स एन ओपिनियन अबाउट लाइफ ह्यूमैनिटी आर सोसाइटी नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है थीम और मोस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं उनके जो थीम्स होते हैं वो मोस्टली फ्रेंडशिप्स होती हैं इसके अलावा बैड और इविल को दिखाया जाता है या फिर लव को दिखाया जाता है इसके अलावा फैमिली और क्राइम वगैरह को भी दिखाया जाता है थीम एक्चुअली कहते किसे हैं थीम कहते हैं सेंट्रल मीनिंग या फिर मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी को मतलब एक स्टोरी मॉरल लेसन होता है इसी को ही थीम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू This refers to who tells the story and how they tell it. The narrator can tell the story from third person point of view, meaning that they can tell us what the characters think and do. हमारे पास last one जो element है वो है point of view. Point of view में हमें बताया जाता है कि story किसने बताई है और कैसे बताई है Narrator जो होता है वो हमें story third person के point of view से भी बता सकता है इसका मतलब ये है कि नरेटर जो है वो खुद स्टोरी के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि वो किसी और के साथ हुए वाकयात बता रहा है और जब नरेटर इस तरह की स्टोरी नरेट करता है तो वो ही और शी जैसे प्रोनाउंस यूज़ करता है और अगर नरेटर फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हो तो इसका मतलब है कि नरेटर खुद स्टोरी का पार्ट है और वो स्टोरी वैसे बता रहा है जैसे उसने देखा है और इस तरह की स्टोरीज़ में नरेटर मोस्टली प्रोनाउन आई यूज़ करता है तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के